अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी मुझे यहां आने का मौका मिला और जनाब फारूक साहब की इंतखाबी मुहिम में मैं यहां पर आया था। आपको याद होगा कि पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जबान पर, उनके कायदीन की जबान पर एक ही जुमला था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कामयाबी होगी। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? और हर महाराष्ट्र में पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से ये दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये औले जौलों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में सब जगह यही जाते थे। जहां पर मुसलमानों के इलाकों में जाते वहां पर ये बात जरूर कहते कि मजलिस को वोट मत दो क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। और बाज हमारे मासूम मुसलमान भी थे, आज भी है, जो इनके झूठ को यकीन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हां बीजेपी और शिवसेना को रोकना है और इसीलिए मजलिस को वोट नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ भी सोलापुर में, हमारे बाज मुसलमान भाइयों ने इस झूठ को सच समझा और उस रिवायत को बरकरार रखा हूं मुसलमानों ने कि पिछले 60 साल से ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के मुसलमानों से हमेशा जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं उन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया। इलेक्शन तो हो गया, नतीजा भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने यह कहकर सोलापुर के आवाम का दिल दोबारा जीत लिया कि आपने मुझे इतनी हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि किसी एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी नहीं होती है मगर वो आपकी वोट और आपकी मेहनत और दुआओं का इस तरह से पूरे अखलास और खुलूस के साथ शुक्रिया अदा करता है। और ना सिर्फ जबान से इस बात का इकरार किया।